लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में आयोजित ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और अकेडमी की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता हम जोर से बोले, फिर मंत्री की परमिशन देने क्या फायदा होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ पर ये एकेडमी जो है उसी में IAS जो प्रोवेशनर से उन्हीं को संबोधित करने के लिए आया था और सिविल और मिलिट्री ज्वाइंट शिप एक प्रोग्राम पर मेरा लेक्चर था, लेक्चर हुआ। फिर मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, पूरा देश मना रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि विगत 8 वर्षों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी बड़ी है। अब सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत अब कमज़ोर भारत नहीं है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी हद तक जो है पहले के कंपेरिजन में सुधार हुआ है। सर, राहुल गांधी को ईडी है सर, लवासा में कार्यक्रम था, माननीय रक्षा मंत्री यहाँ पहुँचे, किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या मैसेज दिए? आज 28वां जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग कार्यक्रम के उद्घाटन में माननीय राजनाथ सिंह जी पधारे हुए थे और जितने प्रशिक्षु हमारे ट्रेनीस हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के IAS के IPS के, इन सभी को मार्गदर्शन ये दिए कि हम सभी जो है देश की रक्षा के लिए, देश के सबल करने के लिए जॉइंटनेस के एक भावना के साथ काम करना चाहिए। और आजकल जो हमारे देश के सामने जो चुनौती है, ये मात्र मिलिट्री टाइप का चुनौती नहीं है, परंतु अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल चुनौती है, इंटरनल सिक्योरिटी का चुनौती है, सारे क्षेत्र में हम एकजुट होकर के काम करना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए, ये उन्होंने मैसेज दिए। हम वो आए, पधारे, हमको मार्गदर्शन किए, हम खूब खूब आभारी हैं।